वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूं मिस्टर डिफेंस सोनी और टैग गुजरात चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, वीवो का वाई सीरीज काफी दिनों से या फिर काफी मंथ से काफी अच्छे से रेस के अंदर भाग रहा है। वो घोड़ा पीछे की साइड आप देख सकते हो, वीवो Y20, Y30, वीवो 51 जो लास्ट मॉडल लॉन्च हुआ था वो था वीवो Y51। लेकिन दोस्तों अभी एक लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आ चुका है, वो है वीवो का Y31। ट्राई करते हैं कि क्या हमको मिलता है ये मोबाइल के अंदर। ओ भाई वो पीछे से क्या पीछे से जाना है। अच्छा ये वही है वो जो जोलो चीप वाला आपने देखा था मास निकाल। हाँ कैसा है अभी, तीखा वीखा लग रहा है? सच में तीखा तो था ना, तीखा आज तक असर है उसकी? नहीं, खतरनाक, बहुत खतरनाक बोल रहा था। वही है ये? अच्छा अभी असर नहीं है, जिंदा है, काफी अच्छी बात है। और जिंदा ही रहना, दूसरी बार करोगे ट्राई? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डिफेंस सर आप भी ट्राई करो इस चीज को। करेंगे हाँ करेंगे। चल 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 निकल अभी, चल ये कट करना पड़ेगा। हाँ और अभी तक आपने जोलो चिप का चैलेंज इसने एक्सेप्ट किया था वो वीडियो भी ना देखे तो ऊपर वाले आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, यही मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से हमको क्या क्या चीज मिलती है, इसकी प्राइस क्या है, मैं आपको बताऊंगा क्या आपको ये मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, बॉक्स के ऊपर से काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे पहले से दिया गया है, मैं उसको एक बार रीड करके आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों हमको बैक साइड इसके अंदर मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 1080 का फुल व्यू वाला डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, साथ ही साथ दोस्तों 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है जो एक प्लस पॉइंट है, और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करने में, मैंने काफ़ी बार यूज़ किया उसके। ओके करते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग। ये जो वेरिएंट है हमारे पास वो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट है। अभी बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हुए दोस्तों, काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है, बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमको सबसे फर्स्ट ऐसे ब्लू केस देखने को मिल जाता है, तो पाउच होता है ब्लू कलर का, उसके अंदर से हमको क्या क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए हमको सिलिकॉन वाला कवर केस देखने को मिल जाता है फर्स्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन पेपर भी हमको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमको यहाँ पे फर्स्ट सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है। ये सब को चीज़ को रखते हैं दोस्तों साइड में, फर्स्ट आते हैं हम की मेन चीज़ की ओर जो है हमारा वीवो का Y31 मोबाइल। ओके तो इसको एक रैपर के अंदर मिलता है हमको दोस्तों मोबाइल यहाँ पे, जिसमें से हम इसको रिमूव करते हैं फर्स्ट, रैपर को हटाते ही दोस्तों हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा ब्लैक कलर, काफ़ी ग्लोसी है, मेरे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी उसके ऊपर प्रिंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट एक बार साफ करते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे मोबाइल हमको यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, ग्लोसी पैनल है इसके ऊपर, काफ़ी शाइनी लुक हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी आवाज़ हो रही है। बैक साइड दोस्तों जो कैमरा सेटअप है इसका वो काफ़ी मिलता है वीवो का V20 के साथ, और लुक भी काफ़ी अच्छे से हमको यहाँ पे देखें दोस्तों। मोबाइल को पावर ऑन करते हैं, और तब तक जब मोबाइल पावर ऑन था देखते हैं बॉक्स के अंदर से हमको और क्या क्या देखने को मिलता है। वाइट कलर के पाउच, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 18 वॉट का फास्ट चार्जर, तो यहाँ पे ये रहा 18 वॉट का फास्ट चार्जर। उसके बाद दोस्तों एक अच्छी बात लगी कि हमको यहाँ पे USB टाइप सी देखने को मिलता है जो नीचे की साइड है। ओके मोबाइल अपने पाओ के ऊपर भी खड़ा रह सकता था, लेकिन थोड़ी डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम थी तो ऐसे गिर सकता है, तो ज़्यादा सल्ली नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हमको 3.5mm का ऑडियो जैक के साथ हमको यहाँ पे हैंड फ्री भी देखने को मिलते हैं। सभी चीज़ों को दोस्तों साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हमारे मेन ऑब्जेक्ट की ओर जो है हमारा वीवो का Y31 मोबाइल। ओके एंड्रॉयड वर्जन दोस्तों इसके अंदर हमको 6GB का रैम, साथ ही साथ दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमको स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, कलर फनटच OS 11 ग्लोबल। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एंड्रॉयड वर्जन के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको एंड्रॉयड 11 पहले से ही देखने को मिल जाता है। ओके जिसको 3 times ऐसा कुछ करना होता है, जिसके बाद यहाँ पे 11 लिखा हुआ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एंड्रॉयड 11 हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो ये तकरीबन 16,490 rupees का प्राइस इसका, लेकिन दोस्तों इतने प्राइस के अंदर इतनी काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने इसका डिस्प्ले आप देख सकते हो, डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी IPS डिस्प्ले पैनल यूज़ कर रहा हूँ अभी। ओके तो काफ़ी अच्छा है, और देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके कैमरा सैंपल्स की। बैक साइड दोस्तों 48 मेगापिक्सल के साथ 2+2 का 3 कैमरा सेटअप हमको देखने को मिलता है दोस्तों। फटाफट से करते हैं इसकी टेस्टिंग, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों बात करें मोबाइल की डिजाइन की, तो यहाँ पे जैसे कि रोड के अंदर ऐसे ऐसे होता है ना जो पानी भरा रहता है जहाँ पे खड्डे, हाँ, तो वैसे हमको यहाँ पे ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों जगह पे हमको वैसा देखने को मिलता है। थोड़ा नजदीक आ जाए कैमरामैन आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मेरी एक उंगली अंदर जाके बाहर हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा है ये। नीचे की साइड आप देख सकते हो 3.5 mm का ऑडियो जैक हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद टाइप सी पोर्ट है और उसके बाद स्पीकर जो ग्रिल होती है वो भी काफ़ी अच्छे से सजाई हुई है। आजकल घरों में खिड़कियाँ जैसे बदलती जाती है वैसे यहाँ पे स्पीकर ग्रिल भी बदलती जाती है, वरना पहले की अगर बात करें तो छोटे छोटे हॉल के अंदर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे ये इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, डिज़ाइन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं आजकल। ऊपर की साइड भी हमको यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और ठीक उसके बाजू में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा सिम ट्रे, ओके। जो अगर दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ओके। और मोबाइल की राइट साइड हमको वॉल्यूम रबर प्लस एंड माइनस बटन भी देखने को मिलता है, उसके ठीक नीचे साइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस पावर ऑन की हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों SE जो था मॉडल वीवो का, सेम उसकी तरह यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का पैनल है वो टोटल प्लेन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, टोटली प्लेन है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हर एक जगह से साफ सुथरा फ़ोन हमको देखने को मिलता है। बढ़ते दोस्तों कैमरा सैंपल्स की ओर। दोस्तों वीडियो टेस्टिंग के अंदर अगर बात करें ये सैंपल्स की, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 30 FPS के ऊपर, आप देख सकते हो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ा बहुत जूमिंग टेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे आईफोन के ऊपर, अभी जूम करते हैं तो ये 2x के ऊपर है, अभी करने जाते हैं इसका फुल मैक्स जूम जो 8x तक का है, ठीक है, लेकिन अच्छा था क्वालिटी यहाँ पे, ठीक है। अभी करते हैं दोस्तों इसका फ्रंट कैमरे का सैंपल्स, करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की, जो 16 megapixels का हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मेरे को देखने को मिलती है यहाँ पे, फेस भी अच्छे से चकाचक चमक रहा है यहाँ पे और वीडियोस काफ़ी अच्छी आ रही है। कैसे हो आप भी कैसे हो, सभी अच्छे हैं, ओके। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 30 FPS वाला रिजोल्यूशन के साथ, ओके, तो काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। और बात करूँ ये शोरूम की, तो ये है जास्मिन मोबाइल शॉप जो बोडेली के अंदर है, ठीक है, आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। वीडियो स्पॉन्सर बाय जास्मिन मोबाइल शॉप बोडेली। और दोस्तों करते ये वीडियो का एंड, ये थी पूरी की पूरी कहानी वीवो Y31 मोबाइल की जो देखे आपने वीडियो के अंदर। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो मिलते रहे हमारे ये चैनल के ऊपर। मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक बाय।